जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे। और आज हम आ चुके हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पटना जंक्शन पे। ये रहा पटना जंक्शन का शानदार नज़ारा। और पीछे हमारे दिख रहे हैं महावीर मंदिर, जो पटना का स्टेशन के बाहर ही फेमस हनुमान जी का मंदिर है। तो एक बार बोलिए जय बजरंगबली की। और इसी के साथ ही चलते हैं स्टेशन के अंदर और आपको बताएंगे कौन से ट्रेन से अपनी जर्नी होने वाली है। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर और अपनी जो ट्रेन है वो प्लेटफार्म नंबर 3 से खुलने वाली है। तो चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 3 पे ना। स्टेशन की स्थापना 1862 में हुई थी और 2003-04 तक इसको इलेक्ट्रिफाइड भी कर दिया था। तो पटना स्टेशन अपना ECR जोन में यानी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के दानापुर मंडल में पड़ता है। स्टेशन पे टोटल 10 प्लेटफार्म है और यहाँ से लगभग आपको हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी। यात्रियों से अनुरोध है कि इससे संबंधित स्टेशन की बात करते, पटना एक दिल्ली हावड़ा मेन रूट पे पड़ने वाला बेहद बिजी और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और इसका स्टेशन कोड हुआ PNB। जर्नी होने वाली है 15528 कमला गंगा एक्सप्रेस, जो पटना से चलकर जयनगर को जाती है। तो आज की अपनी जर्नी होने वाली है पटना से और जाएंगे हम लोग जयनगर। तो आइए देख लेते हैं इसके लोकोमोटिव का नज़ारा। और ये रहा अपने कमला गंगा एक्सप्रेस का लोकोमोटिव Wave 4 इंजन के साथ चलती अपनी कमला गंगा एक्सप्रेस। कमला गंगा एक्सप्रेस 265 किलोमीटर की दूरी तय करती है टोटल 11 घंटे में। होने वाले हैं और D2 के जनरल कोच में। और टिकट फेयर की बात करें तो इसका टोटल हमको 100 रुपीज़ चार्ज पड़ा है पटना से वाराणसी तक के लिए, सॉरी पटना से जयनगर के लिए। 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, लगभग 11 घंटे। और अपने राइट समय से 5:05 पे अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 3 से। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। और सामने खड़ी है वास्को डा गामा पटना एक्सप्रेस, जो पटना से चल के गोवा के वास्को डी गामा जाती है। और यह है DRM का सैलून, जो इससे सभी स्टेशनों का दौरा करते हैं। गोमो सेट का Wave 7 और सामने लगी है राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो राजेंद्र नगर से चलकर नई दिल्ली को जाती है तेजस राजधानी एक्सप्रेस। देख सकते हैं इसका इंटीरियर काफ़ी बढ़िया बनाया गया है।
ये है हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली, मगध एक्सप्रेस है ना, दिल्ली के लिए बहुत गाड़ी है। हाँ, इस्लामपुर कहाँ से आती है? इस्लामपुर नहीं पता है, लेकिन दिल्ली के लिए बहुत। अच्छा, भाई दिल्ली राजधानी है तो उसके लिए तो हर जगह ट्रेन रहेगी। मगध, हाँ नहीं, भी मगध एक्सप्रेस हमारे कल से बढ़िया ट्रेन है। और ये है अपने धनबाद से लेकर पटना जाने वाली, धनबाद पटना। आराम से गंगा दामोदर एक्सप्रेस धनबाद से लेकर पटना जाने वाली। और राजेंद्र नगर टर्मिनल पे 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। राजेंद्र नगर 4 प्लेटफार्म का इम्पोर्टेड रेलवे स्टेशन है जो पटना के एक स्टेशन आगे पड़ता है। और यहाँ राजेंद्र नगर से पटना, राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। और राजेंद्र नगर से दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस। राजेंद्र नगर से दुर्ग जाने से साउथ बिहार एक्सप्रेस। दोस्तों पटना से 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं अपने बख्तियारपुर जंक्शन पे। और बख्तियारपुर का स्टेशन कोड हुआ BKP और टोटल 5 प्लेटफार्म का स्टेशन है जो हावड़ा दिल्ली मेन रूट पे पड़ता है। और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन तिलैया होके चली जाती है और एक लाइन आसनसोल को जाती है, इसलिए जंक्शन पॉइंट भी है। दोस्तों बख्तियारपुर पड़ता है अपने ईस्टर्न सेक्टर रेलवे के नानापुर जोन में। और यहाँ पे टोटल इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद मिलेंगे सीधे आपसे मुकामादर जंक्शन पे, क्योंकि शाम को अभी बज रहे हैं 6:35 हो रहे हैं। तो दोस्तों बख्तियारपुर से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है।
दोस्तों, पटना से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने स्टेशन मोकामा पे आ चुके हैं। और मोकामा की बात करें तो चालपर प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पे पड़ता है। और यहाँ से कई जगह के लिए लाइन भी डाइवर्ट होती हैं। हमारा स्टेशन भी अपना ECR जोन के बहनापुर डिवीजन जो मंडल में पड़ता है। तो आइए, 2 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद मिलेंगे इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। तो 2 मिनट के हॉल्ट के बाद मोकामा से अपने ट्रेन का डिपार्च हो चुका है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। मोकामा और अपने सामने जा रही है जो फिरोजपुर से अगरतला को जाने वाली। कहाँ से रही है, फिरोजपुर से आ रही है कि जा रही है? अगरतला फिरोजपुर अगरतला त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी एक्सप्रेस। पटना से 110 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है बरौनी जंक्शन पे। बरौनी जंक्शन टोटल 9 प्लेटफार्म का एक बहुत ही बड़ा और बिजी रेलवे स्टेशन है। और स्टेशन कोड की बात करें तो इसका स्टेशन कोड हुआ BJU और ये अपना ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न में पड़ता है। यहाँ से अपना दानापुर डिवीज़न ख़त्म हो जा रहा है, सोनपुर डिवीज़न में पड़ता है। और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन कीवी, एक लाइन पटना और एक लाइन जयनगर, जिससे हम आ रहे हैं, और भी कई सारी लाइनें यहाँ से डाइवर्ट होती है, तो इसीलिए जंक्शन पॉइंट है। और बेहद हावड़ा दिल्ली मेन रूट का बेहद ही बिजी और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बरौनी जंक्शन बेगूसराय जिले में पड़ता है और इसको ओपन किया गया था 1882-83 में और 2001-02 में इसको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया था। तो बरौनी जंक्शन से खुलने के बाद मिलते हैं सीधा आपसे समस्तीपुर जंक्शन पे। दोस्तों, 10 मिनट रुकने के बाद बरौनी जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट स्टॉपेज सीधा समस्तीपुर जंक्शन पे। Thank you.
तो दोस्तों रात के 11:05 हो रहे हैं और हम आ चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन पे। और समस्तीपुर की बात करें तो SPJ इसका स्टेशन कोड हुआ और टोटल 7 प्लेटफार्म का स्टेशन है। सेंट्रल रेलवे इसका ऑपरेट करता है और इस ट्रेन को, ट्रेन नहीं, इस स्टेशन को 2014 में इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया था। तो 10 मिनट रुकने के बाद समस्तीपुर जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो आइए चलते हैं, इसका डिपार्चर देखते हैं। तो दोस्तों सुबह के 3:25 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने गंतव्य स्थान जयनगर को। तो जयनगर इस ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुँचने का 3:55 पे, लेकिन इस ट्रेन ने हमको समय से आधा घंटा पहले यानी 3:25 पे ला के जयनगर छोड़ दिया है। और इस ट्रेन को बहुत सारा स्लैप टाइमिंग दिया गया है जिसकी वजह से ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई है, हर जगह इतना बहुत ज़्यादा रोक रही है। टाइम काटने की बात हो और रात की जर्नी हो तो आप इस ट्रेन की जर्नी कर सकते हैं, वरना मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस ट्रेन से जर्नी करें, क्योंकि ये ट्रेन बहुत आपको झेला देगी, बहुत इसमें स्लेप टाइमिंग दे के हर जगह रोक रोक के इतना ला रही है कि दिमाग ख़राब हो जा रहा है।